हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई वेलकम यू ऑल टुडे। गाइस, आज हम करने वाले हैं टॉरस वर्सेस लीब्रा या लीब्रा वर्सेस टॉरस की रीडिंग, कि अगर आपका पार्टनर टॉरस है और आप एक लीब्रा हैं, या अगर आप एक टॉरस हैं और आपका पार्टनर एक लीब्रा है, तो क्या रहेगा आपका रिलेशनशिप, क्या था आपका पास्ट, क्या है आपका प्रेजेंट, कैसा रह सकता है आपका फ्यूचर, और क्या है इस रिलेशनशिप का आउटकम, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स, दीज टैरो कार्ड्स, दीज ओरेकल कार्ड्स, ऑल द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो गाइस, आज बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे सामने, तो हम देखेंगे आज डिटेल में क्या है टॉरस वर्सेस लीब्रा का रिलेशनशिप आउटकम एंड एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉरस वर्सेस लीब्रा की रीडिंग। तो सबसे पहले तो गाइज, अगर मैं बात करूँ पास्ट ऑफ द टॉरस वर्सेस लीब्रा रिलेशनशिप, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप बॉय हैं, आप गर्ल हैं, आप मैन हैं, आप वुमेन हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप लीब्रा या टॉरस होने चाहिए और आपका पार्टनर जो है वो टॉरस या लीब्रा होना चाहिए। दैट व्हाट मैटर्स, इसमें जेंडर जो है वो मैटर नहीं करता है। तो आपकी जो एनर्जीज है, आपका सन साइन, आपका मून साइन जो है वो इधर टॉरस या लीब्रा होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके पास्ट की। सबसे पहले तो टॉरस या लीब्रा जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर जब आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, ऊपर जो कार्ड्स हैं ये तीन, दीज आर फॉर टॉरस, एंड नीचे वाले जो कार्ड्स हैं ये लीब्रा के लिए। तो सबसे पहले जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा, तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हुई होगी। स्पेशली जैसे टॉरस जो है, टॉरस जो साइन होता है, अर्थ साइन, वो बहुत ही रिजिड साइन, बहुत ही स्टबर्न साइन होता है, और वो इजिली जो है, इतनी इजिली जो है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने एक सॉफ्ट साइड भी उनकी है, वो किसी को बताता नहीं है बहुत जल्दी, क्योंकि टॉरस एक एक बहुत ही प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इमोशनल जो है वो थोड़े से कम होते हैं। सो गाइज, जो टॉरस होते हैं वो प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, एक स्टबर्न थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वो इतनी इजीली जो है वो किसी को अपना दिल नहीं देते हैं, वो किसी से एक कमिटमेंट नहीं करते हैं, और जब वो बहुत किसी इंसान को परख लेते हैं उसके बाद ही वो उस इंसान को प्रपोज करते हैं या एक अपना सॉफ्ट साइड दिखाते हैं, लव ऑफर देते हैं। तो अगर आप टॉरस हैं ये तो, और या आप लीब्रा हैं, आप किसी और के साथ डील कर रहे थे, तो डेफिनेटली जब आपकी रिलेशनशिप की स्टार्ट हुई होगी तो उस वक्त आई थिंक उन्होंने आपको प्रपोज किया होगा, या हो सकता है कि आपने प्रपोज किया हो, बट जो भी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग हुई होगी आपके रिलेशनशिप की। आपको ऐसा फील हुआ होगा कि यार अब तो बस दिस इज़ इट यार, ये एक रिलेशनशिप होता है, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और क्योंकि जो टॉरस होते हैं वो एक बहुत ही लॉयल पर्सन होते हैं, बहुत ही जेंटलमैन, बहुत, अगर आप कोई गर्ल है तो बहुत ही लॉयल पर्सन होंगी वो, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लॉयल। तो ये होता है टॉरस में कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत, क्योंकि वो वैसे ही बहुत सोचते हैं किसी को, एक किसी के पास जाने से पहले, किसी को इमोशनल साइड दिखाने से पहले, और जब वो करते हैं तो फिर उसको पूरी तरह निभाते भी हैं वो। तो डेफिनेटली अगर जब आपकी रिलेशनशिप की स्टार्ट हुई होगी विद अ टॉरस, तो लिब्रास आई थिंक आपको लगा होगा ऐसा कि यस, दिस इज़ इट, ये है रिलेशनशिप, दिस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बिगनिंग हुई होगी, बिकॉज ऑब्वियसली हर रिलेशनशिप की ऐसी होती है। लेकिन टॉरस और लीब्रा का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा बहुत ही यूनिक है, बहुत ही रोमांटिक, क्योंकि लीब्रास जो होते हैं वो अपने आप में बहुत ही बैलेंस, रोमांटिक होते हैं, और टॉरस जो होते हैं वो थोड़े से ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल होते हैं। तो टॉरस जो अपना साइड जब लीब्रा को दिखाते हैं, दैट रोमांटिक साइड, और लीब्रा जो अपना बैलेंस साइड टॉरस को दिखाते हैं, तो एक जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है। तो हो सकता है लीब्राज, अगर आप लीब्रा हैं, तो आपने इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट्स लगाए हों, बहुत अपना 110% दिया हो, बिकॉज आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये रिलेशनशिप इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं। और डेफिनेटली टॉरस लीब्रा का जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो एक बहुत ही एक अलग तरह की पॉजिटिव वाइब होती है, और आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया हो या और आपने बात करना स्टार्ट किया हो, मैसेज, कॉल सब एक्सचेंज हुए हो, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिली हो, जब जब आप लोग मिले हो तो एक बहुत ही रोमांटिक वाइब, पॉजिटिव वाइब, और उतना ही टॉरस जितने आप सपोर्टिव थे, बैलेंस थे आपके साथ, आपकी केयर करते थे, आपसे प्यार,
इन एवरी थिंग. लिब्राज उतना ही आपने भी अपने इस रिलेशनशिप में बहुत 110%, 120%, 1000% जिसको हम कहते हैं एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप को एक डाउन टू अप लेवल लाने में. उस वजह से जो टॉरस है उनको भी फील हुआ होगा कि जो आप हैं वो ही आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं. जैसे कि ये लेडी है यहाँ पे, दिस लिब्रा, इन्होंने अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं. और जो टॉरस हैं दे आर फीलिंग दैट येस शी इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, शी इज़ सो लॉयल, शी इज़ सो हार्ड वर्किंग इन दिस रिलेशनशिप. तो डेफिनेटली टॉरस एंड लिब्रा स्टार्टिंग तो जो है आपके रिलेशनशिप की बहुत ही अच्छी हुई होगी. अब हम प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग के लिए हम थोड़ा दो कार्ड्स और देख लेते हैं. सबसे पहले तो टू ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. तो हो सकता है कि टॉरस लिब्रा आप डील कर रहे हैं इसके साथ भी, तो आपका सबसे पहले तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो एक दूसरे सिटी, स्टेट, कंट्री में रह रहे हों, वो आपसे दूर रहते हों, आपके बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, या वो आपसे ट्रैवल करके मिलने आए हों कभी, जैसे कि बाय कार, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, एनीथिंग. तो आपके बीच में मुझे एक डिस्टेंस दिख रहा है गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल. और जो भी है आप दोनों के बीच में मुझे एक बैलेंस भी दिख रहा है इन पास्ट की, या आप बहुत ही बैलेंस. लीब्रास जो होते हैं वो बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग होते हैं, और टॉरस जो होते हैं बहुत ही पैशनेट, बहुत ही एक ग्राउंडेड. तो मुझे एक लविंगनेस और एक पैशन का जो एक बैलेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच में, बहुत ही बैलेंस एनर्जीज हैं. और जो टॉरस हैं उन्होंने मे बी आपसे प्रॉमिस किया टू गिव यू द वर्ल्ड, की पूरी दुनिया वो आपके कदमों में रख देंगे, कुछ ऐसा रिलेशनशिप आपका रहा हो इन पास्ट. और टॉरस जो है वो बहुत ही ऐसे मनी माइंडेड होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल, उनको बड़ा मतलब वो उनको बड़ी पसंद है ऐसी चीज़ें कि पेंटिकल्स, मनी, फाइन थिंग्स इन लाइफ, मटीरियल थिंग्स इन लाइफ. तो मे बी वो बहुत ही स्टेबल पर्सन हो, वो इतने ऐसे हों कि सबकी हेल्प करते हों, बहुत ही हेल्पिंग हो, वो बहुत ही फाइनेंशली बहुत स्टेबल हों, और आपको भी फील हो कि हाँ यार दिस पर्सन इज़ सो हम्बल, कितने हम्बल हैं ये, हमेशा गरीबों की हेल्प करना, या अपने से जो कम जो प्रॉस्परस लोग हैं उनकी हेल्प करना, बहुत ही हेल्पिंग नेचर हो उनका, या आपका बहुत हेल्पिंग नेचर हो वो उनको दिखा हो. तो जो भी है, या हो सकता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया हो फाइनेंशली या एनीथिंग. तो मुझे लगता है कि इन पास्ट आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा, बहुत ही गिव एंड इक्वल, गिव एंड टेक वाला, तो उन्होंने बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक रखा. वैसे लिब्रा, लिब्रा का साइन था तराजू, तो मे भी आपका रिलेशनशिप बहुत बैलेंस रहा हो, बहुत ही एक इक्वल गिव एंड टेक, प्यार दोनों तरफ से बहुत ही बराबर हो, पैशन बराबर हो, लॉयल्टी जो हो वो बराबर हो. तो इट्स लाइक दैट कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा है इन दी पास्ट. अब हम बात करते हैं इन दी प्रेजेंट. तो प्रेजेंट में टॉरस के लिए जो कार्ड है वो है मैसेज, लिब्रा के लिए जो कार्ड है वो है कॉफिन, और एक और जो कार्ड है आपके प्रेजेंट के लिए वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स. तो हो सकता है गाइस कि जो टॉरस जो होते हैं, मुझे टॉरस ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज ये अर्थ साइन है, पेंटिकल्स इज फॉर अर्थ साइन, तो ये रिवर्स में आया है. तो हो सकता है कि प्रेजेंटली जो आपका पार्टनर है, स्पेशली अगर वो टॉरस है, तो वो डील कर रहा हो अपने फाइनेंशियल इशूज़ के साथ, अपने मनी मैटर्स के साथ, अपनी जॉब, या वो अपनी ही अभी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में लगे हुए हों, और उस वजह से आपके बीच में इतने कॉल, इतने मैसेजेस, या एक बहुत ही इमोशनल डिस्टेंस आप फील कर रहे हो आप अपने टॉरस पार्टनर के साथ. और हो सकता है कि जैसे कि जो टॉरस हैं वो अभी अपने ही एक मटीरियल लाइफ को जो बेटर करने में लगे हुए हैं, अभी वो अपने ही एक इनर एनर्जीज में हो. जैसे कि होता है ना कि कट ऑफ कर लेना, बात ना करना, कभी मन करे तो मैसेज करना, कभी मन करे तो मैसेज ना करना, मन करे तो कॉल करना वरना कम्युनिकेट ना करना, छोड़ के चले जाना, फिर से आ जाना, फिर से मैसेज करना, फिर से कॉल करना, फिर चले जाना, कुछ इश्यूज़ हो तो फिर चले जाना, एक स्टबर्न रहना, फिर कभी लविंग हो जाना, फिर स्टबर्न, फिर लविंग, इस तरह का कोई साइकिल चल रही हो आप दोनों के बीच में. और उस वजह से लिब्रा बहुत कन्फ्यूज्ड है. आप सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देती हूँ, इस रिलेशनशिप को मैं एंड कर देती हूँ, बट फिर आप फिर जब वो फिर से आपको मैसेज करते हैं तो आई थिंक आपके बीच में फिर से बात हो जाती है, फिर से वो आपसे कट ऑफ कर लेते हैं, फिर से आप सोचते हो कि मैं इस चीज़ को एंड कर लूँ. तो आपको शायद समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, आप मूव ऑन करें, आप उनका वेट करें, आप क्या करें, आप स्टक रहें वेट करें, या स्टक रहें वेट करें, यू डोंट नो, यू आर कन्फ्यूज, आप बहुत कन्फ्यूज हैं. मे बी आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो और वो आपको जो है प्रपोजल दे नहीं रहे, उन्होंने अपने ही पास
सारी पावर रख रखी हो रिलेशनशिप में, एक इमोशनल भी, एक फिजिकल भी, एक एक मेंटल भी, सब कुछ जो है उन्होंने अपने अंदर दबा के रख रखा, और वो आपसे इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स में भी। डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं, वो उनको आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट वो इतना यू नो एक्सप्रेस ना कर रहे हो आपके सामने अभी जैसा वो फील कर रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और अभी उस वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि वो कब आपको मैसेज करेंगे, कि वो कब आपको मैसेज करेंगे, कब आपको कॉल करेंगे, कब आपको क्लैरिटी देंगे। तो आप तो क्या कभी कभी स्टक फील करते हो इस रिलेशनशिप में कि क्या होगा, इस रिलेशनशिप का आउटकम कब, वो जो है इस चीज़ से निकल के आपके पास आएंगे, और आपको यू नो इतने प्रैक्टिकल होने की बजाय वो थोड़े से इमोशनल भी होंगे, जैसा आप उनसे जाते हैं वो वैसा भी थोड़ा बिहेव करेंगे या वैसा आपको कमिटमेंट देंगे। अब हम देखते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जीज। फ्यूचर में देखिए टॉरस के लिए जो कार्ड है दैट इज़ वेल्दी मैन एंड ग्रेट फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली टॉरस अगर अभी अभी जो है इन पर्सनली अभी जो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, किसी पेंटिकल प्रॉब्लम यू नो किसी मनी मैटर्स, बिजनेस मैटर्स, जॉब मैटर्स, या ओवरऑल जो भी किसी किसी यू नो किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ उनकी लाइफ में अगर चल रहे हैं, तो ओवरऑल इन फ्यूचर मुझे वो सब सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज उनके लिए बहुत लक्की कार्ड्स आए हैं टॉरस के लिए। एक तो ग्रेट फॉर्च्यून और दूसरा जो कार्ड है वो है वेल्दी मैन। तो दोनों ही कार्ड इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर में तो जो टॉरस हैं वो बहुत ही अपनी इश्यूज़, अपनी प्रॉब्लम से निकल के यू नो कोई डिवाइन ब्लेसिंग मिलने वाली है उन्हें इस रिलेशनशिप को, या उन्हें ओवरऑल कि वो जो है अपनी लाइफ में जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे उसको सॉल्व करके वो अपनी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ में आने वाले हैं, अपने उस यू नो ये भागने वाली एनर्जीज में जो रहते थे वो पहले, उससे निकल के अब वो एक जेंटलमैन एनर्जीज में आने वाले हैं कि यस अब मैं आपसे कमिट करूँगा, अब मैं आपसे कमिट करूँगी, अब आपको जो हैप्पीनेस चाहिए यू नो मेरे साथ अब मैं आपको देने के लिए वो बिल्कुल रेडी हूँ। और वो आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं, वो आपको एक न्यू बिगनिंग देंगे, वो आपको एक न्यू स्टार्टिंग देंगे, या डिवाइन जो है वो आपको एक न्यू बिगनिंग देगा। अगर आप टॉरस लीब्रा में से कोई भी है तो आपको डिवाइन एक न्यू बिगनिंग देगा बहुत ही जल्द। और लीब्रा की जो 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 कार्ड्स आए हैं फॉर फ्यूचर दैट इज़ चाइल्ड एंड मेन मेल। तो चाइल्ड कार्ड के लिए जो है इट मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई फ्रेश बिगनिंग होने वाली, जैसे कि यहाँ पे जो है एंडिंग कॉफिन कार्ड आया था कि लीब्रा सोचते हैं मैं वेट करूँ ना करूँ, मैं क्या कि मैं किसी और से बात करूँ, किसी और के पास जाऊँ, किसी कोई और ऑप्शंस ट्राई करूँ, यू नो ऐसे माइंड लीब्रा के दिमाग में चलते हैं। बिकॉज लीब्रा जो है वो बहुत ही बैलेंस साइन है, उनको जितना प्यार वो करते हैं उतना प्यार रिटर्न में भी चाहिए, और जब वो नहीं मिलता फ्रॉम टॉरस तो उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स भी आते होंगे। बट अब जो टॉरस है वो आपको एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक न्यू हैप्पीनेस, इन्हें सब कुछ बहुत ही इनोसेंट ऑफर, एक बहुत ही न्यू ऑफर देने वाले हैं। और हो सकता है कि अब वो जो भी आपकी लाइफ में यू नो जो भागने वाले उस सिचुएशन में थे, या जो भी यू नो एक कमिट ना करना, वो अब आपके पास आके आपसे कमिट करने वाले हैं। और अगर आप लीब्रा हैं जो कि कमिट नहीं कर रहे थे, तो आप भी कमिट करने वाले हैं विद देयर टॉरस पार्टनर। तो जो भी है ऐसी कमिटमेंट, गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। अब देखते हैं लास्ट कार्ड फॉर द फ्यूचर, टेन ऑफ सोल्स एंड द वर्ल्ड। तो सिचुएशन जो भी स्टक थी आपकी लाइफ में, स्पेशली लीब्राज की लाइफ में, जो आप बहुत स्टक थे, आप बहुत ही यू नो एक नेगेटिव एनर्जीज में थे, आपकी जी चीज़ें रिलेशनशिप जो था वो आगे नहीं बढ़ रहा था, कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा था, और फाइनली अब आपको सारी हैप्पीनेस मिलेगी इन फ्यूचर। हैव सम पेशेंस लीब्रा, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ विद, द यूनिवर्स इज़ विद यू। वो आपको सारी हैप्पीनेस देंगे, सब कुछ देंगे, एंड जो भी आप अपनी स्टक एनर्जीज में थे, जो भी है ब्लैक क्लाउड्स भले ही आपकी लाइफ में अभी हो, बट एक सनशाइन, एक नया सूरज निकलेगा, और आपकी लाइफ में जो एक नेगेटिव सर्कल चल रहा था वो ख़त्म होकर एक पॉजिटिव सर्कल की बिगनिंग ज़रूर होगी दोनों के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी। अब देखते हैं कि जो टॉरस है वो अपने लीब्रा पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं। तो उनके लिए कार्ड है सी मी इन द आइज एंड दैट ऑफ ऑप्शंस इज मीनिंगफुल रॉक ऑन। तो कुछ टॉरस जो यू नो सेल्फिश टॉरस जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए अगर आप मेरा वेट नहीं कर सकते हैं तो आपके पास अगर दूसरे ऑप्शंस हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और कुछ है जो आपसे कह रहे हैं कि सी मी इन द आइज, इट मीन्स कि वो पूरे यूनिवर्स को वो आपकी आंखों में देखते हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब देखते हैं कि जो लीब्राज हैं वो अपने टॉरस पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं। आई हार्ट यू,
मैंने तो खुद कहा था कि जो लीब्राज हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ज़्यादा यू नो उन्होंने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, वो ज़्यादा थोड़े से इमोशनल, एक यू नो बहुत ही बैलेंस जो पर्सन होते हैं, तो वो तो अपने पार्टनर, अपने टॉरस पार्टनर से कहते हैं कि आई हार्ट यू, आई लव यू, और मैं तो सिर्फ आपसे ही प्यार करता हूँ, करती हूँ, और मैं तो आपका ही वेट करूँगी आगे भी। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए कंक्लूजन कार्ड्स क्या हैं। एक्सपेक्टेशंस और अनएक्सपेक्टेड इनकम, यू नो एक कितना रिवर्स आया है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, टॉरस या लीब्रा आप जो भी हैं, और यू नो आप शायद बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन है आपकी अपने पार्टनर से कि वो कब इस एनर्जी से निकल के आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, क्लैरिटी देंगे। तो बहुत ही जल्द एक्सपेक्ट करते रहिए कि अनएक्सपेक्टेडली वो आपके पास आ रहे हैं, और आपको जो कमिटमेंट चाहिए था, जो क्लैरिटी चाहिए थी, जो प्यार चाहिए था, जो कम्युनिकेशन चाहिए था, वो आपको सब दे रहे हैं। बस थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। आई एम श्योर डिवाइन इज़ विद यू। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम दी एंजल्स। लॉर्ड शिवा, वाओ, लॉर्ड शिवा तो यू नो गॉड ऑफ लव जिसको हम कहते हैं, वो हैं ये। तो राइज अप ऑन योर इनर फोर स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद। तो लॉर्ड शिवा खुद ही आपको ब्लेस करने आए हैं, टॉरस एंड लीब्रा। सो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। एंड सेकेंड कार्ड इज, ओ माई गॉड, माँ काली, लॉर्ड शिवा और माँ काली, ट्विन फ्लेम। डेफिनेटली डेफिनेटली लीब्रा टॉरस आप लोग एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। दीज बोथ आर ट्विन फ्लेम्स। इनकी जर्नी ईजी नहीं थी, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की एक दूसरे को पाने के लिए, अगर आप जानते हैं। और अगर टॉरस लीब्रा थोड़ा सा स्ट्रगल करना भी पड़ रहा है अपने रिलेशनशिप के लिए, तो करिए ना थोड़ा सा, आपको यूनियन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि खुद ट्विन फ्लेम यू नो जो जर्नी पे रहे हैं, लॉर्ड शिवा काली माँ यू नो वो आपको ब्लेस करने आए हैं इस रीडिंग के लिए। तो टॉरस लीब्रा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका यूनियन होगा, ज़रूर होगा, 110% होगा। और यहाँ पे माँ काली आपसे कह रही हैं कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अभी अनफोल्ड होगा, बहुत कुछ होना बाकी है अभी, वो सब होगा, सब डिवाइन टाइमिंग है। एंड फॉर गाइज, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, अगर आपको लग रहा है कि आप ये जर्नी ईजी नहीं होती है, और अगर आपको फील हो रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अभी क्विट कर लीजिए। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो नॉर्मल लव स्टोरी, नॉर्मल जर्नी से बहुत डिफरेंट होती है, इसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। एंड में डेफिनेटली हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन जो पाथ होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ तभी इस पे चलिए। और आपके लिए तो खुद ट्विन फ्लेम, लॉर्ड शिवा और काली माँ आपको ब्लेस करने आए हैं, तो इससे तो अच्छा और क्या ही हो सकता है। अब देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं। वॉन्डरिंग पाथ एंड आंसरिंग द कॉल। वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी, आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी जर्नी है, जो भी जैसे जितना भी रास्ता कैसा भी है, उसको एंजॉय करिए, अपनी लव जर्नी को एंजॉय करिए। और दूसरा है आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। कि बस अब टाइम आने वाला है कि आपको ये अनएक्सपेक्टेड जो मिरेकल है अपनी लाइफ में, वो ज़रूर 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 मिल रहा है, बहुत ही जल्दी मिल रहा है, बस थोड़ा सा वेट करिए। और लास्ट आपके लिए गाइडेंस जो है वो और देख लेते हैं। हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, ऑटोनॉमी। सबसे पहले तो गाइडेंस सबसे पहले मेरी टॉरस के लिए है कि प्लीज़ थोड़े से इतने प्रैक्टिकल ना रहिए, थोड़े से यू नो अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, थोड़े से इमोशनल होइए, थोड़े से यू नो लविंग नर्चरिंग थोड़े से वो लाइए। क्योंकि आप दोनों को अपने रिलेशनशिप में हार्ट चक्रा ओपन करना बहुत ज़रूरी है फॉर द यूनियन। एंड द सेकेंड कार्ड इज़ ऑटोनॉमी, सोलर प्लेक्सस चक्रा, आई एम अ लिमिटलेस बींग। कि आपसे कह रहे हैं कि आई एम फ्री टू शाइन माई लाइट एंड स्ट्रेंथन माई ईगो एज आई डिस्कवर माई पोटेंशियल। कि इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत इस दिस इज अ लिमिटलेस रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप में यू नो एक न्यू सनराइज, एक नया सूरज ज़रूर निकलेगा। ओपन योर हार्ट चक्रा, ट्रस्ट द डिवाइन, एंड डेफिनेटली आपके लिए तो खुद ट्विन फ्लेम आए हैं आपको ब्लेस करने के लिए। यू नो आपकी रीडिंग में है ना माँ काली का कार्ड आया था, और उन्हीं के नीचे लॉर्ड शिवा का कार्ड था, एंड दे बोथ आर ट्विन फ्लेम। तो गाइज, टॉरस वर्सेज लीब्रा, आई थिंक यू आर वेरी लक्की। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, यू आर डेफिनेटली इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। प्लीज़ डू योर हार्ड वर्क, वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग,
एंड डेफिनेटली आपको एंड में ये हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी गाइज. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द हैप्पीनेस. और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय गाइज़.